फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत जो पट्टे का जो प्रोसेस है कि पिछले 4 वर्षों में कितने आवेदन आए, मंत्री जी के जवाब में है 32,521 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से उन्होंने 25,029 दावे निरस्त कर दिए और सिर्फ 5,937 लोगों को ये पत्र प्राप्त हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक। 25,000 आपने निरस्त किए हैं, वो किस कारण से निरस्त किए हैं और क्या सरकार इनको पुनः परीक्षण करने के लिए कोई कमेटी बना के देने का प्रावधान करती है? या तो वह व्यक्ति जो तय सीमा है उस समय वो वहाँ नहीं था, या फिर वो राजकीय सेवा में है। निरस्त का कारण तो बताओ। हो गया, जवाब दीजिए। जवाब दे रहे वो सवाल ही मेरा नहीं है। नहीं तो सब मंत्री सक्षम नहीं है क्या? राजो सब मंत्री जवाब दे, सब सक्षम है। अरे बोलते एक सर हाउस को चलने दीजिए। कौन सा तरीका है मंत्री? स्पीकर महोदय, ऑब्जेक्शन है। मानी सदा बैठिए, मंत्री जवाब दे। जो 5,000 लोगों को जो पट्टा मिला गया, इनमें किसी को भी विद्युत कनेक्शन और KYC नहीं मिला है? बिजली कनेक्शन नहीं मिलते हैं वहाँ पर, फॉरेस्ट एक्ट के कारण हम खंबा ले जा सकते हैं, लाइट जा नहीं सकती है, इसके कारण से उनको हम कृषि कनेक्शन नहीं दे पाते। अब फॉरेस्ट राइट सर पट्टा मिला है, वो कृषि कर रहा है, विभाग कह रहा है हम नहीं दे सकते, और एक तरफ कह रहे हैं देश में घर घर बिजली पहुंचाएंगे। हम सिंपल सी चीज चाहेंगे कि उनको आप कृषि कनेक्शन और KCC जो लोन के लिए आप पट्टा दे रहे हो उसमें एग्रीकल्चर दर्शा दो। भाई पट्टे में आप एग्रीकल्चर दर्शा दो, किस में दर्शा ही नहीं रहे ये लोग। अगला प्रश्न श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 98, मेरे पास जवाब आ गया है, आपकी अनुमति हो तो मैं पूर्व प्रश्न ही पूछ लूं। चलिए पूछिए। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के तहत जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत जो पट्टे का जो प्रोसेस है, मेरा प्रश्न जो था कि पिछले 4 वर्षों में कितने आवेदन आए, तो मंत्री जी के जवाब में है कि 32,521 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से उन्होंने 25,029 दावे निरस्त कर दिए और सिर्फ 5,937 लोगों को ये पत्र प्राप्त हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक। तो मेरा सवाल पहला ये है कि जो 25,000 आपने निरस्त किए हैं, वो किस कारण से निरस्त किए हैं और क्या सरकार इनको पुनः परीक्षण करने के लिए कोई कमेटी बना के देने का प्रावधान करती है? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिनको पट्टा मिला है इन पे KYC और कृषि कनेक्शन इन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पट्टा दे रहे हैं उस पट्टे में जमीन कौन सी है उसकी किस्म दर्शा नहीं रहे हैं। अब किस्म नहीं दर्शाने की वजह से उस व्यक्ति को एग्रीकल्चर कनेक्शन डिपार्टमेंट विद्युत विभाग नहीं दे रहा है और बैंक से जो KYC जो है वो भी बैंक वाला नहीं दे रहा है। तो राज्य सरकार क्या जो 5,000 लोगों को जो पट्टा मिला गया है इनमें किसी को भी विद्युत कनेक्शन और KYC नहीं मिला है तो उसके लिए क्या प्रावधान करने का विचार रखती है? ये एक बार दो का उत्तर राजा, फिर दूसरा पूछ लेना आप माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए। एक तो आपका कहना ये है कि जो पट्टे निरस्त किए आपको हमने सूची उपलब्ध कराई है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आपको मैं बताना चाहूँगा। आप लोग पिछली बार सरकार में थे, आप सरकार में साझेदारी थी, उस समय आप करा नहीं पाए, उस समय कराना चाहिए तो ये प्रश्न नहीं लगाते आप। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दबाव हो गया सर, इसीलिए आप इधर बैठे। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री मेरे को संबोधित करते बोले। इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया है वो ये है कि जो आपने एक बात कही कि पट्टे, हम पट्टे नहीं देते हैं, अधिकार पत्र देते हैं, और उसमें प्रक्रिया जो ये है कि व्यक्ति वहाँ 2005 से पहले वहाँ पे काबिज है, 2006 से हम उनको बना धरकर अधिकार पत्र देते हैं। उसमें प्रक्रिया ये है कि वो व्यक्ति वहाँ 25 वर्षों से बाहर रह रहा है, उस व्यक्ति की वहाँ वो दावा पेश करेगा और दावा पेश करने के बाद में वहाँ की जो ग्राम समिति है, वन सुरक्षा समिति, वो उसकी जांच करेगी कि वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ स्थापित है, काबिज है या नहीं है, वो कितने समय से है, ये सारा वहाँ मूल्यांकन करा। मूल्यांकन करने के बाद में
वो पटवारी और वनपाल ये मिलकर के ये तय करेंगे कि भाई इसका कौन सा खसरा है, ट्रेस नक्शा, और वनपाल ये बताएगा कि ये व्यक्ति यहाँ काबिज है। वो फिर समिति उस पट्टे को, उस वनाधिकार हक को ग्राम सभा को भेजेगा, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में ये तय होगा कि ये जो आया है ये सही है नहीं है। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में मैं पूरा सुन लो फिर प्रक्रिया पर क्या वही पूछा ना आपने निरस्त किए वो बता रहा हूँ। उत्तर उत्तर तो सुनिए, उत्तर चाह रहा हूँ मैं सर, एक लाइन। अरे मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उत्तर सुन लो ना। आपको दूसरा प्रश्न अनुमति दूंगा मैं भाई, आपको अगला प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। हमने निरस्त किया है, जवाब दे रहे हैं। ये मंत्री सक्षम नहीं है क्या? राजा सब मंत्री जवाब दे, सब सक्षम है। अरे बोलते एक सर हाउस को चलने दीजिए। ये कौन जत्री गवा मंत्री? माइक कर दो, ऑब्जेक्शन है। माननीय सदस्य बैठिए, मंत्री जवाब दे, पहले सारे बोलने लगते हैं। इसका मतलब आप बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। प्रश्न काल में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। आप खड़े तो आप हुए, ये व्यवधान है, मैंने व्यवस्था दे दी। आप बैठिए, आप बैठिए, ये मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दे। अध्यक्ष महोदय जी आप बैठिए, आप बैठिए, आप अपना आप बैठिए, आप बैठिए, आपकी बात खड़े हुए तो मुझे कुछ आगे बोलना पड़ेगा। बैठिए, बोले अध्यक्ष महोदय जी। मंत्री नए हैं, आवाज आने दिए। ये तीन चार प्रकार की समितियां हैं, आप सुनिए। मैं मंत्री जी, मंत्री जी इधर देख के, मंत्री जी इधर देख के संक्षेप में जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, जो निरस्त करने के जो कारण हैं वो आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं। या तो वह व्यक्ति जो तय सीमा है उस समय वो वहां नहीं था, या फिर वो राजकीय सेवा में है। निरस्त का कारण तो बताओ। हो गया, जवाब दीजिए। जो जवाब दे रहे वो सवाल ही मेरा नहीं है। नहीं तो सर, जो सवाल है वो मतलब जवाब ही नहीं है। पीछे मत बोलिए। नहीं तो आपने पूछा निरस्त, पहले उधर से आ रही है, रोहित बोल रहा है सबसे ज्यादा, आप भी बोल रहे हो, आप उत्तर तो सुनिए। हाँ तो वो आपका प्रश्न है। सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, मैं स्पष्ट करता हूँ, एक पूरा कर दो। मैं पूरा कहना चाह रहा हूँ, आप क्यों सुनेंगे? नहीं, इसी को कह रहा हूँ मैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो जो जवाब चाह रहे हैं वो जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। आप जो सदस्य का क्वेश्चन है उसका जवाब दिलवा दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं मेरा पूरा सुनोगे तो मैं, आप इधर बोलिए, आप इधर बोलिए डायरेक्ट, नहीं पूरा जवाब दूंगा। आप सुनिए, सुनने का मतलब रखिए। आपने पूछा केवाईसी और वहां रहने वालों को बिजली के कनेक्शन, जो कृषि कनेक्शन, वो क्यों नहीं मिल रहे? केसीसी नहीं, आपका केवाईसी है। केवाईसी कोई योजना नहीं है। केवाईसी हम दस्तावेज सत्यापित करने के लिए आधार लेते हैं, वो दस्तावेज सत्यापित करने के लिए ये प्रक्रिया है, वो है। दूसरा, जो वन क्षेत्र में जो हमने अधिकार हक अधिकार वन हक दिया है, उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिलते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के कारण हम खंभा ले जा सकते हैं, लाइट जा नहीं सकती है, इसके कारण से उनको हम कृषि कनेक्शन नहीं दे पाते हैं। सर, मेरा सिंपल सा जवाब है, कोई बात नहीं, सिंपल सा सवाल है कि 25,000 लोगों के फॉर्म निरस्त हुए, वो उस प्रक्रिया से के तहत, क्योंकि वो 25,000 लोग वहाँ काबिज हैं, वो उसका दावा पत्रक प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं, उनकी भावना का सवाल है। सेकंड सवाल ये है कि 5,000 लोगों को पट्टा या पत्र मिल गया, वो वहाँ बसा हुआ है, खेती कर रहा है, अब उसको एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं मिला है, और जो केसीसी मेरा जो था केसीसी मिसप्रिंट हुआ है, केवाईसी आया है, तो केसीसी लोन नहीं मिल रहा है, तो ये 5,000 लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए इधर इधर भटक रहे, तो उसके उत्तर लिए कब तक देंगे, क्या उत्तर पूछे? उसके लिए विभाग क्या कार्रवाई करेगा? अब फॉरेस्ट राइट सर पट्टा मिला है, वो कृषि कर रहा है, विभाग कह रहा है हम नहीं दे सकते, और एक तरफ कह रहे हैं देश में घर घर बिजली पहुंचाएंगे। हम सिंपल सी चीज चाहेंगे कि उनको आप कृषि कनेक्शन
और केसीसी जो लोन के लिए आप पट्टा दे रहे हो उसमें एग्रीकल्चर दर्शा दो भाई, पट्टे में आप एग्रीकल्चर दर्शा दो, किस्म दर्शा ही नहीं रहे ये लोग। आप प्रश्न आ गया माननीय क्वेश्चन और माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का उत्तर सुन लो, इतना पूरा सारा बताओगे। जैसे केसीसी के द्वारा अध्यक्ष महोदय जी, ये वन अधिकार हक पत्र हम दे रहे हैं, वो उस जमीन को बेचान नहीं कर सकता, उस नियम में है, उस कानून में है। आप केसीसी लेना चाहते हो, आपका खाता नहीं है उसमें, इसलिए उसको केसीसी नहीं मिल पाता है। दूसरा आपने कहा कि ये जो निरस्त किए उसके मैंने कारण बताया, कारण आप सुनना नहीं चाहते थे। तो आप बोलिए, आप अपना बोलिए। आपने कहा निरस्त हुए वो कारण बताया, वो कारण मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो माननीय सदस्य उत्तर पूरा हो जाए उसके बाद जो दो प्रश्न अध्यक्ष महोदय जी, जो जो वनाधिकार पत्र निरस्त हुए, अध्यक्ष महोदय जी मुझे ध्यान एक बार सुनिए भैया, अधिकार पत्र जो निरस्त हुए उनकी हमारे पास सूचना मैंने दे दिया सभा सदस्य को, लेकिन और भी कोई इनके पास में है तो बताएं। माननीय मंत्री जी कराएंगे, माननीय मंत्री जी आप इनसे मिलकर के इनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इनसे चर्चा कर लीजिए। अध्यक्ष मोदी जी मैं अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा, आप मिल लीजिए इनसे, मैंने बात इनको निर्देश दिया। संख्या 168 हो गया, ये एक पब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए सर दर दर भटक रहे हैं लोग। सर आप मैंने आपसे आग्रह किया ना, आप इनके चैम्बर में जाके इनसे चर्चा कर ले, नहीं तो दोबारा चर्चा करेंगे। सर ये पॉलिसी मैटर है श्री ललित मीणा, सर ये पर्सनल मेरा कोई बोलिए, मेरा कोई इसमें हित नहीं है, पब्लिक का हित है। सर सवाल संख्या 168